पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सामूहिक विवाह समारोह में की शिरकत। 300 जोड़ों ने साथ खाई जीने मरने की कसम। जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हर साल आदिवासी बहुल जिले में होता है सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। ममता बनर्जी ने समारोह में कहा, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। अपने 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में प्रशासन की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत ली। सामूहिक विवाह समारोह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में आज 300 जोड़े पूरी आदिवासी रीति रिवाज के साथ एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई। मालदा जिला प्रशासन की पहल पर गाजोल कॉलेज मैदान में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही थी। राज्य की मुखिया ममता बनर्जी की उपस्थिति में आज विभिन्न स्थानों से आए 300 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थामा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत यहां उपस्थित सभी अतिथियों ने नववधु को सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काजोल पहुंची है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। शादी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने हाथों से नव दंपत्ति को उपहार व सरकार मदद प्रदान की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी प्रोटोकॉल को दरकिनार कर शादी समारोह का आनंद उठाने से भी पीछे नहीं हटी। वे आदिवासियों के पारंपरिक पोशाक पहनकर संगीत की धुन में नृत्य भी की। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से आज सामूहिक विवाह समारोह में करीब 5,000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। शादी के बाद सभी ने एक साथ प्रतिभोज का आनंद उठाया। इस अवसर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल के आदिवासी बहुल जिले में हर साल मई महीने में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई आदिवासी के जमीन जबरन हथियाना चाहता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासियों की जमीन किसी दूसरे को किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। আমি আপনাদের সকলকে জয় জোহার বলছি। আপনারা সকলে খুব ভালো থাকুন, খুব সুন্দর থাকুন। আপনারা আমাদের সমাজের গর্ব, আমাদের সম্পদ। আজকে প্রায় 300 পরিবার, আমাদের ভাই এবং বোনেরা, তারা আজকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। তাদের দীর্ঘ জীবন, সুখী জীবন, সুন্দর জীবন কামনা করছি। এবং আমাদের প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব নিয়ে যে কাজটা করছে, বিবাহ এক্ষুনি শুরু হবে, সবাই আসতে শুরু করেছেন, আমিও কিছুক্ষণ অংশগ্রহণ করব, তারপরে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে, ওয়েদার খারাপ আছে ওই দিকটা। কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে, আমি আজকে গণবিবাহ আদিবাসীদের প্রথা মেনে আপনারা যেভাবে আমাকে সম্মান দিয়েছেন, আমার ভাই বোনেরা, শিল্পীরা সকলে, এবং যারা আজকে বিয়েতে সম্মত হয়ে মাঝি মেজেন থেকে শুরু করে মরণ থেকে শুরু করে আপনাদের মরণ থেকে শুরু করে সমাজে সবাই এসছেন, তাদের সকলকে আমার অনেক অনেক জয় জোহার।